हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हम स्टाइल अवार्ड 2021 हुआ है पाकिस्तान में, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। जैसे एक्ट्रेसेस या फिर वहां की जो सेलिब्रिटीज हैं फीमेल, उनको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी आई है कि वहां पर हॉलीवुड को या फिर बॉलीवुड को कॉपी करते हुए बहुत शॉर्ट वाले कपड़े वपड़े पहने हैं। और अभी फिलहाल में इमरान खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि मेंटेलिटी पे या फिर एक इंसान पर, एक बंदे पर, एक आदमी पर इम्पैक्ट डालती हैं ऐसी चीजें, अगर कपड़े कम होते हैं तो। हाँ, अगर वो रोबोट नहीं है तो शायद वो असर ना करे चीजें। बेस्ट वर्सेस वर्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं। रिवनरी स्टार्ट करते हैं स्टार्ट वीडियो ना। आपके साथ जिन पाकिस्तानी अदाकाराओं की तस्वीर शेयर करेंगे, इनको देखकर पहली नजर में तो आपको भी डाउट हो जाएगा कि क्या ये वाकई पाकिस्तानी अदाकाराएं हैं या फिर इस बार पांचवें हम स्टाइल अवार्ड्स में बॉलीवुड की अदाकाराओं ने पाकिस्तानी अवार्ड शो में शिरकत की। कि इनमें से चंद अदाकाराएं तो ऐसी थी जिन्होंने अपने स्टाइल के जरिए से बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया। जैसे कि अदाकारा अलीज़े शाह अपनी छोटी सी फ्रॉक पहनकर खुद को आलिया भट्ट फील कर रही थी, और इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इनकी तमाम अदाएं भी स्क्रिप्टेड हैं, और यहाँ तक कि इन्हें चलने की भी प्रैक्टिस करवा के भेजा गया है। इनके अलावा अदाकारा आयशा उमर, उर्वा हुसैन, माया अली और पाकिस्तान के दीगर फेमस मॉडल्स ने इस पर फैशन सेंस का सत्यानाश कर दिया, और इस वक्त सोशल मीडिया पर रिप पाकिस्तानी फैशन सेंस का हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। तमाम अदाकाराओं को इनफरादी तौर पर डिस्कस करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की नामवर अदाकारा अलीज़े शाह की। अलीज़े शाह ने इस बार जो फ्रॉक पहनी थी, इसमें वो इंतहाई बेहुदा लग रही थी, और वो खुद भी ज़ाती तौर पर इसमें काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी, क्योंकि बार बार अलीज़े शाह अपनी फ्रॉक को ऊपर की तरफ खींच रही थी, जिसको देख कर ऐसा लग रहा था कि इनके फैशन डिजाइनर ने ज़बरदस्ती इन्हें ये फ्रॉक पहना दी है। मातवी अदाकारा अलीज़े शाह इस बार पांचवें हम स्टाइल अवार्ड्स में खुद को क्लासी शो करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। इनके बाद बात करते हैं हम सब की हमदर्दियों के मरकज अदाकारा उर्वा हुसैन की। अदाकारा उर्वा हुसैन और फरहान सईद की तलाक के बाद इन्हें पाकिस्तानी अवाम की तरफ से काफी ज्यादा हमदर्दियां मिली, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस बार कोई ढंग का ड्रेस पहनाएंगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार उर्वा हुसैन ने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए खुद को जलपरी बना लिया, क्योंकि इन्होंने इस ड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी किया था, लेकिन इसके बावजूद ये ड्रेस इन पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। इनके बाद बात करते हैं अदाकारा आयशा उमर की। आयशा उमर के ड्रेस के दो हिस्से थे। फोटोशूट करवाते हुए आयशा उमर ने अपने ड्रेस के साथ व्हाइट कलर की जालियों को नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही इन्होंने अवार्ड शो में जाकर देखा कि अलीज़े शाह और दीगर पाकिस्तानी अदाकाराओं ने अपने साथ लंबी लंबी जालियाँ लटका रखी हैं। जब तक पाकिस्तानी अदाकाराएं अवार्ड शो में चलते हुए 10 लोगों की जगह को ना घेरें तो इन्हें मीडिया कवरेज नहीं मिलती, तो इन्होंने भी फौरन से अपने बैग से जालियों को निकाल कर अपने साथ लगा लिया, क्योंकि इनकी जालियों पर पड़ी सिलवटों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्होंने फौरी तौर पर इन जालियों को अरेंज करवाया है। इसके अलावा अगर इनके ड्रेस के फ्रंट एरिया की बात की जाए, तो इसके फ्रंट पे इन्होंने जो लंबे लंबे विंग्स लगा रखे थे, अगर ये विंग्स आयशा उमर के चेहरे पर लग जाते तो ऐन मौके पर इनका चेहरा भी जख्मी हो सकता था। तो क्या आपको आयशा उमर के इस ड्रेस का कोई फैशन सेंस समझ आया है या नहीं, कमेंट्स के जरिए से हमें लाजमी बताएं। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट स्टाइलिश पाकिस्तानी एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल करने वाली अदाकारा माया अली की। माया अली ने इस बार पांचवें हम स्टाइल अवार्ड्स में जो ड्रेस पहना था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी एयर होस्टेस का ड्रेस है, लेकिन इसका एक बाजू गायब था। और माया अली इस ड्रेस में कैसी लग रही थी, ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माया अली का ड्रेस और इनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। के बाद बात करते हैं पाकिस्तान की एक और टैलेंटेड अदाकारा सोनिया हुसैन की। सोनिया हुसैन ने इस बार पांचवें अवार्ड शो में जो ड्रेस पहना था, और इसके साथ इन्होंने जो मेकअप किया था, वो बिल्कुल बेतुका था। इन्होंने अपनी आंखों पर डार्क रेड मेकअप किया, जबकि इसके साथ इन्होंने बच्चों वाली चुटिया बना रखी थी, और जिस कलर का ड्रेस इन्होंने पहना था, छोटे बच्चे इस कलर का हाइलाइटर भी खरीदना पसंद नहीं करते। बाकी अदाकाराओं की तरह सोनिया हुसैन ने भी इस बार पाकिस्तानी फैशन सेंस को बहुत ही कामयाबी के साथ स्पुर्दे खाक कर दिया। इनके बाद अगर बात करें अदाकारा मशल खान की, तो मशल खान की इस लंबे चौड़े ड्रेस में मशल खान बमुश्किल थोड़ी सी कवर हो रही थी, और एज यूजुअल इस बार भी मशल खान बिल्कुल बेहुदा लग रही थी। तो इन तमाम पाकिस्तानी अदाकाराओं के ड्रेसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स के जरिए से हमें बताना ना भूलिएगा। अब सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्ला। ऐसा कुछ सोचा नहीं था इनके बारे में। हम स्टाइल्स अवार्ड 2021 जो कि आज लाहौर में हो रहे हैं, इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर सेलिब्रिटीज की ड्रेसिंग देखकर हर कोई दंग रह गया।
काफी सेलिब्रिटीज इस अवार्ड शो में काफी बोल्ड आउटफिट्स में नजर आए, जिन्हें देखकर लोग सोशल मीडिया पर आग बगोला हो गए। लोगों के साथ साथ कुछ सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया पर एक्ट्रेसेस के इस अवार्ड शो में बोल्ड ड्रेसिंग को लेकर कॉमेंट्स किए, जिनमें एक बिलाल कुरैशी और नूर बुखारी हैं। नूर बुखारी हिस्से में कहती हैं, नूर बुखारी ने इस अवार्ड शो से चंद सेलिब्रिटीज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्या ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसके अलावा बिलाल कुरैशी लिखते हुए कहते हैं, लेडीज मेरा यकीन कीजिए, आप सब बहुत प्यारी हैं, आपको खूबसूरत दिखने के लिए इस तरह रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने की कोई जरूरत नहीं। कुछ सेलिब्रिटीज जो कि टीवी पर काफी मासूमाना रोल्स में नजर आती है, जब लोगों ने उन्हें इस तरह के अटायर्स में देखा तो लोग उन्हें देख कर काफी ज्यादा शॉक्ड रह गए। जहाँ एक तरफ सेलिब्रिटीज इस अवार्ड शो में काफी वर्स्ट और बोल्ड आउटफिट्स में नजर आए, वहीं कई अदाकारें इस अवार्ड शो में डिसेंट ड्रेसिंग करते हुए भी नजर आई। इस अवार्ड शो में नजर आने वाली अगर डिसेंट ड्रेस सेलिब्रिटीज की बात की जाए तो नंबर वन पर नाम आता है अहमद अली भट्ट की बीवी फातिमा खान का। फातिमा खान इस अवार्ड शो में काफी डिसेंट ड्रेसिंग करते हुए नजर आई। नंबर दो पर अगर बात की जाए तो नंबर दो पर आती है मोमल शेख। जहां एक तरफ सेलिब्रिटीज काफी वियर्ड और रिवीलिंग ड्रेसेस पहने नजर आई, वहीं मोमल शेख का ड्रेस काफी मॉडर्न था लेकिन उनका रिवीलिंग ड्रेस नहीं था, और अगर उन्हें बाकी सेलिब्रिटीज से कंपेयर किया जाए तो वो काफी डिसेंट दिखाई दे रही थी। इसके अलावा ईमन खान और सारा खान, जिन्हें पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मोस्ट डिसेंट ड्रेस्ड सेलिब्रिटीज कहा जाता है, वो इस अवार्ड शो में मिसिंग रही। ईमन खान और सारा खान कोई भी अवार्ड शो हो या कोई भी इवेंट हो, हमेशा डिसेंट ड्रेस पहने नजर आती हैं। ईमन खान और सारा खान इस अवार्ड शो में मिसिंग रही और लोगों ने उन्हें काफी मिस किया। इसके अलावा इकरा अजीज भी इस अवार्ड शो में नजर नहीं आई। इकरा अजीज जो कि बहुत जल्द मॉमी टू बी हैं, इस अवार्ड शो में मिसिंग रही। इस अवार्ड शो की रेड कार्पेट की वीडियोज और पिक्चर सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रही है और लोगों को इस अवार्ड शो को देखने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ इस अवार्ड शो में सेलिब्रिटीज के कपड़ों को लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। आपको क्या है कहना इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात जरूर पेश कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, तो ये थी दोनों तरह की ड्रेसेस, जिसमें आप कह सकते हैं कि ज्यादातर मोस्टली जो एक्ट्रेसेस थी वो रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मतलब ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी, मतलब ये सवाल मैंने बीच में भी किया था एंड बाद में जो वीडियो बनाया है, जिसका वीडियो मैंने देखा है, वो भी बोल रही थी, मतलब इस तरह की चीजें करने की जरूरत क्या है, क्या ये इस्लामिक रिपब्लिक से आते हैं लोग जो ऐसी ड्रेसेस पहनकर शोज में जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, कैमरास पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसी मजबूरी, क्या ऐसा शौक चढ़ पड़ा है कि ऐसी ड्रेसेस पहनकर लोगों को, मतलब एक मैंने एक पिक्चर भी देखी थी, शायद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, अलीजे शाह की एक पिक्चर ऐसी वायरल होती हुई देखी थी मैंने इंस्टा पे कहीं ना कहीं, तो उसमें दो मर्द जो हैं वो पीछे से देख रहे हैं, घूर घूर कर देख रहे हैं, क्योंकि अलीजे आज जो है वो इस तरह का वो पहनी हुई है अपनी ड्रेस जो इसमें पहनी थी शो में, तो वो उसमें ऊपर की शोल्डर्स उनके पूरे के पूरे दिख रहे हैं, पीछे की पीठ भी दिख रही होगी उतनी ही, तो वो चीज़ इम्पैक्ट डालती है। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि इमरान खान ने जो स्पीच दी थी एक अंग्रेज को जो थी, जो नाथन के साथ जो इंटरव्यू था अमेरिकन वाला, तो उसमें जो बोला था उन्होंने कि इम्पैक्ट डालती हैं ये चीज़ें, लेडीज की लड़कियों की शॉर्ट ड्रेसेस इम्पैक्ट डालती हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड पर, अगर वो रोबोट है बंदा तो भले ही उस पर असर ना हो इन चीज़ों का, तो वो चीज़ वायरल हो रही है कि इमरान खान ने सही कहा था एंड वाकई में सही कहा था, मतलब ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की वहाँ पर, तो उन चीज़ों को लेकर आकर आप इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड बनकर भी क्या कर लोगे, एंड अपना मजाक भी बनवा रहे हैं ये लोग, मुझे लगता है ज़्यादातर अलीजे हैं, दो चार और थी जो एक्ट्रेसेस में, ऐसी ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, रिस्क रहता है, कुछ ऊंच नीच हो गई कहीं ना कहीं, हमने बहुत सारी वीडियोस या फिर ऐसे चीज़ें देखी हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स लोग शो कर रहे हैं, रैंप वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर कपड़े ऊंचे नीचे हो गए या फिर उस जगह से हट गए या फिर उतर गए, तो ऐसे ड्रेसेस पहनने का क्या फ़ायदा भाई, वो शोज़ में ही उतरे जा रहे हैं तो पब्लिक में जाकर शोज़ करने का क्या फ़ायदा, अगर वहाँ पर उतर गए तो क्या कितनी इज्जत रह जाएगी। आई डोंट थिंक कि ये वहाँ के लिए एक्सेप्टेबल है, आप एशिया या फिर इंडिया से बॉलीवुड को आप कॉपी कर रहे हो या फिर आप हॉलीवुड को कॉपी कर रहे हो, तो इमरान खान ने भी ये कहा था कि हम कॉपी करते हैं, बहुत सालों से शुरू से कॉपी कर रहे थे क्योंकि इनका नाम है
एंड अब हमें खुद अपने आप ही नाम बनाना चाहिए अपने कल्चर को लेकर। कोई बात आ गई, दूसरों को कॉपी करोगे तो अपना नाम कहाँ बना पाओगे, कोई नाम नहीं होगा, बस नंगेपन में नाम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। कर बताइए क्या ऐसी ड्रेसेस जरूरी हैं या नहीं, कोई सेंस बनता है? मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनता है ऐसी ड्रेसेस पहनने का। एंड अदर साइड अगर देखी जाए तो डिसेंट ड्रेसेस भी पहनकर आए थे लोग, जैसे कि इसमें हमने देखा वो ब्लू वाली मैडम एंड बहुत सही। एंड एक लड़की और थी, एक लेडी जो गुलाबी कलर का जो सूट पहनी थी, पूरा थ्री पीस था, आई डोंट नो क्या था, वैसा ही कुछ लोग पहनते हैं, वो रिवीलिंग होता है, लेकिन वो पहनी थी, वो कवर्ड था पूरा, मतलब फैशन का फैशन एंड डिसेंट का डिसेंट सब कुछ उन्होंने अपना शौक भी पूरा किया। मतलब बॉडी दिखाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं कि आप खूबसूरत हैं? तो ऐसा ही कुछ, मतलब किसी ने, मुफ्ती ने, आई डोंट नो किसने, एक स्कॉलर ने कमेंट किया था क्या वो वीडियो में इन्होंने दिखाया था कि आप लेडीज बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम मानते हैं सबको पता है कि आप खूबसूरत हैं। कमेंट करके बताइए क्या आपको ये बेवकूफ़ी लगती है, सबसे वर्स्ट आपको किसकी लगी? सबसे वर्स्ट की बात तो करूँ मैं अपनी तरफ से, तो वो ग्रीन वाला सूट जो पहनी थी मैडम वो, एंड वो जो पंख वंख लगे थे, वो अजीब तरह की ड्रेसेस लगी। बाकी आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सी वर्स्ट लगी, कौन सी बेस्ट लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।